सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फलों के गुण और उनकी उपयोगिता के संबंध में हम बात करेंगे। देखिए, हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई प्रकार की ऐसी बीमारियों की दवाओं का सेवन करते हैं जिनको हम फल खाकर दूर कर सकते हैं। मतलब यह है कि सही समय पर अगर सही फल का सेवन किया जाए या फिर मौसमी फलों का ही अच्छी मात्रा में सेवन किया जाए तो हमें कभी भी कृत्रिम दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आयुर्वेद भी भोजन के साथ कई तरह के फलों के सेवन की सलाह देता है और अगर हम इस सलाह को मानते हैं तो जाने अनजाने हम खुद ही अपने कई रोगों को दूर कर देंगे। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम फलों का सेवन करते हैं, मतलब दिन के किस समय में हमें कौन सा फल खाना है, खाली पेट कौन सा फल खाना है, भरे पेट कौन सा फल खाना है, भोजन के पहले हम कौन सा फल खा सकते हैं या फिर भोजन के बाद हमें कौन सा फल खाना चाहिए, अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हम इन फलों के माध्यम से ही अपने कई ऐसे रोगों को दूर कर सकते हैं जिनके लिए बहुत से लोग जीवन भर और कई कई वर्षों तक दवाएं खाते रहते हैं। देखिए, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ की भूमि ऐसी है कि यहाँ पर आपको विश्व में सबसे अत्यधिक मात्रा में सबसे अधिक ज़्यादा वेराइटी के फल 12 महीने देखने को मिलेंगे। आपको गर्मी में अलग फल मिलेंगे, ठंड में अलग फल मिलेंगे, बारिश में आपको अलग फल मिलेंगे, तो हमें निश्चित ही इन फलों का सेवन करना चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कि फलों में कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं या फिर फल हमें किन किन बीमारियों में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, सही मात्रा में केवल फलों का सेवन करने से हम अपने अजीर्ण को दूर करते हैं, हम हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त कर सकते हैं, हम हमारे BP ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। इसी के साथ जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है उस मोटापे को हम इन फलों के सेवन से नियंत्रित कर सकते हैं। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, फलों के सही सेवन से इन बालों के झड़ने को आप रोक सकते हैं। जिन लोगों की त्वचा शुष्क हो जाती है या स्किन में ग्लो खत्म हो जाता है, केवल सही मात्रा में फलों के सेवन से आप अपने चेहरे के ग्लो को वापस ला सकते हैं। बहुत से लोगों को शरीर में जलन होती है, पंजों में, आँखों में, तलवों में, तो इस जलन को भी आप केवल फलों के सेवन से दूर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको थकान महसूस होती है या फिर आपके शरीर में आलस आप महसूस करते हैं तो इसको भी आप केवल फलों के सही सेवन से दूर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी जठराग्नि कमज़ोर हो रही है तो आप सही फलों का सेवन करके इस जठराग्नि को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो आप फलों के सेवन से अपने रक्त विकार को भी दूर कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी एंटीबायोटिक के सेवन से आपकी आंतें कमज़ोर हो गई हैं तो आप अपनी आंतों के बल को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन को भी केवल फलों के सही उपयोग से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो फल हमें प्रकृति ने दिए हैं ये पूरे के पूरे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में टॉक्सिन्स को दूर करने की ताकत होती है, इनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, पानी और खनिज लवण होते हैं जिनके सेवन से आप अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाए रख सकते हैं। मतलब आप केवल फलों का सेवन करके कई रोगों को दूर कर सकते हैं और चिरायु को प्राप्त होते हैं। कई रोगों से तात्पर्य कॉन्स्टिपेशन, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट बर्न, खून की कमी, इंडाइजेशन, किडनी के रोग, फेफड़ों के रोग, क्रैम्प आना और इनके अलावा जिस भी रोग के बारे में आप सोच सकते हैं, उन सभी रोगों को सही मात्रा में हम फलों का सेवन करके इन सारे रोगों को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। तो जो लोग सुबह उठते से एसिडिटी, BP, थायराइड, शुगर, इन सब की खाली पेट दवाएं खा रहे हैं, उन लोगों को एक बार फलों के सेवन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, केवल फल खाना ही पर्याप्त नहीं है, यूँ तो सभी रोज़ किसी न किसी फल का सेवन करते ही हैं, लेकिन हम इस श्रृंखला में आपको ये बताएंगे कि हमें सही मात्रा में किस मौसम में कौन से फल का सेवन करना चाहिए, कब आप किस फल का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन आएगा। तो इस जानकारी का होना बहुत आवश्यक है जिससे आप अपने रोग को स्वतः ही ठीक कर पाएंगे। और अगर आप हमारी दी हुई जानकारी को सही से फॉलो करते हैं तो दोस्तों, आपकी प्रतिदिन लेने वाली दवाओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। देखिए, प्रकृति हमारी माँ है और अगर हम इस पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं तो हम हमेशा मजे में रहते हैं। और प्रकृति के दिए हुए इन फलों से ही जब हम खनिज, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर की पूर्ति कर लेते हैं तो हमें आर्टिफिशियल मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम स्वस्थ और प्रसन्न रह पाते हैं।
और हर स्थिति में दवाओं पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि फलों पर खर्चा किया जाए, मतलब डॉक्टर की दवाएं खाने से अच्छा है कि हम फलों का सेवन कर लें। तो हमें हमारे शरीर की हर कमी को पूरा करने के लिए प्रतिदिन फलों का सही मात्रा में सेवन करते रहना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगले कुछ वीडियोज़ में हम जानेंगे कि हमें फलों के सेवन में क्या क्या सावधानियाँ रखने चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहें, और अगर हमारे वीडियो ने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हमेशा आपके लिए आते रहेंगे। तो दोस्तों अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।